दोस्तों क्वाइट नॉलेज चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग जब प्रिंटर का आप जो ब्रदर जो DCP T220 जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में आप जब प्रिंट सेटिंग को चेंज करने के लिए आपका जो वेब पेज है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे एक पासवर्ड का एक सेक्शन होता है और इस पासवर्ड को आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो कैसे पासवर्ड को इंटर करें। तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए जो ब्रदर का जो प्रिंटर है वो DCP T220 हो या फिर जो DCP 420 हो, उसमें क्या है जो प्रिंटर का जो बैक साइड होता है, यहाँ पे जो प्रिंटर का जो बैक साइड होता है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्टिकर होता है ना, यहाँ पे नीचे एक पासवर्ड लिखा होता है। तो इसको हम स्टिकर को ऊपर में ले आएंगे और इसको देखेंगे जो पासवर्ड कैसा आपको इंटर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टिकर को ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमने स्टिकर को ऊपर में ले आया है और यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सीरियल नंबर और नीचे में लिखा है PWD पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो पासवर्ड है ना, यहाँ पे जो PWD और यहाँ पे जो स्पेस है, देखिए यहाँ पे देखिए मिडिल में एक स्पेस है, तो इस स्पेस को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे जो लेटर दिख रहा है आपको, उस सभी लेटर को आपको पासवर्ड में कंसिडर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे आप जब जो पासवर्ड है उस पासवर्ड में आप जब यहाँ पे देखिए जो सेमी यहाँ पे एक कोलोन दिया हुआ है, इस कोलोन को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोलोन, यहाँ पे D9, यहाँ पे जो हैश है NBGR, तो यहाँ पे सभी जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पासवर्ड में। जब PWD यहाँ पे एक कोलोन है, इसके बाद में एक स्पेस है, जो यहाँ पे एक जो मिडिल में एक दिख रही है ना, यहाँ पे जो मिडिल में एक गैप रही है, उस गैप को आपको छोड़ देना है और गैप के बाद में जो भी कैरेक्टर आपको स्टार्ट हो रही है उस कैरेक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसको आपको इंटर करना पड़ेगा पासवर्ड में। तो तभी जाके आपका जो वेबसाइट में जो आपका लॉगिन है वो लॉगिन आपको हो जाएगा और पासवर्ड जो प्रिंटर का जो कोई भी सेटिंग है वो आपको चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।